ये तो ऐसे भी रामचरित मानस में कहे हैं, सुनो कि तो है ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, भक्ति भक्त एक ही बात है, वही एक ही बात की सब। तो यहाँ कहते हैं गुरु कृष्ण वैष्णव तीने एक, एक ही तीन, माने एक ही तीन रूप में और तीन मिलकर की एक, इसमें कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। गुरु है प्रदाता, क्या देते हैं, कृष्ण है रस, रस को देते हैं, वैष्णव है पात्र, उस पात्र में वो रस मिलता है, वो पात्र में तुम अनुसंधान करो वहां से तुमको मिल जाएगा। तुम भगवान से मांगो तो भगवान कहते हैं हम तो रखे हैं वैष्णव भक्त के पास, भक्त के हृदय में हम रहते हैं, वहीं पर तुमको जो मिलना है, तुमको प्राप्त करना है, वहां भक्त से ले लो, वहां भक्त के पास जाओ। मद भक्त पूजा अधिको, हमसे भी हमारे भक्त का सेवा अधिक है, इसलिए अगर तुम वो प्रेम चाहते हो तो जाओ। तो वैष्णव का जाने से भी होगा, होता नहीं है, वो तो हमको निर्देश कौन करेंगे, प्रदाता कौन है, नहीं गुरु और भक्त है पात्र, गुरु से वो वस्तु प्राप्त करके फिर भक्त के सान्निध्य में जाओ, भक्त पुष्ट करेंगे, वो रस को पुष्टि करेंगे, क्योंकि वह है पात्र, पात्र में सब रखा हुआ है, सब प्रेम रस सब भक्त वैष्णव, वैष्णव भक्ति नहीं तो वैष्णव। आप क्या है, हमारे भगवान में भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, ये तो एक बार में तो नहीं होता है, भजन करते करते धीरे 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 वो हृदय में वो भक्ति रस जो वो पुष्ट होने लगता है, प्रकाश होने लगता है, पहले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ ये सब क्रमिक अनुसार फिर आगे बढ़ता रहता है साधन। तो हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है, ये लक्षण से तुम पहचान लोगे तुम कितना बढ़ रहे हो आगे, सहज लक्षण। एक गुरु कृष्ण वैष्णव तीन एक एक तीन, तो रस है गोविंद आधार, गोविंद है रस के भंडार, और भक्त है पात्र, गुरु है प्रदाता। तुम्हारा भजन जितना बढ़ता जाएगा, प्रकाश होता जाएगा, उतना ही गुरु में तुम्हारे भक्ति बढ़ती जाएगी, तत्सहित वैष्णव में उतना श्रद्धा प्रीति साधारणतः स्वाभाविक देखने में आएगा, ये लक्षण है। अगर इसका विपरीत होता है, मान लो हम भजन कर रहे हैं लेकिन गुरु में श्रद्धा हट रहा है, वैष्णव में भी उतना प्रीति नहीं, तो समझना तुम्हारा भजन बेकार, कहीं कहीं छेद है, उस छेद से तुम्हारा जो प्रगति है वो निकल जा रही है, ये लक्षण है, ये सत्य है। ये लक्षण के द्वारा तुमको पहचान होगा कि गुरु में श्रद्धा बहुत है लेकिन भगवान में प्रीति नहीं, ऐसा होता ही नहीं। भगवान में बहुत प्रीति है, गुरु में श्रद्धा नहीं, ऐसा भी होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये झूठ बात है, जो ऐसा कहते हैं वो मिथ्याचारी है। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान में बहुत प्रीति है, वो मिथ्यावादी है, झूठ बोल रहा है। और गुरु में है, गोविंद में है, वैष्णव में प्रीति नहीं, बोलते ये भी मिथ्यावादी, और एक मिथ्यावादी है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही। माने मान लीजिए जैसे हमारे बहुत प्रियजन, ये भैया हमारे प्रियजन, बहुत प्रियजन है ना, कोई एक बालक हमारे घर में आया, हम जानते नहीं कौन बालक आया, अरे भाई कौन भैया बालक आया, दे दो भाई इसको तो प्रसाद प्रसाद दे दो, विदाई कर दो, हल्ला कर रहा है इसको विदाई कर दो। पीछे परिचय हुआ जो ये हिरजी भैया का लड़का है, तुरंत एकदम अरे हिरजी भैया का पुत्र है, अरे अरे आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, भीतर आ जा, कहाँ रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे,
अरे भाई हिरजी भैया का पुत्र संतान ये आया है, आता नहीं है कोई, कितना आदर करेंगे। वो आदर किस लिए? ना हिरजी भैया से हमारा प्रेम है, इसलिए स्वाभाविक वो पुत्र में आदर होगा। अगर मान लो हिरजी भैया से हमारा प्रेम नहीं दिखावा है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है, तो उनका पुत्र आने से भी पुत्र को भी उतना ही प्रीति होगी। चलो हिरजी भाई, अच्छा ठीक है, चलो प्रसाद दे लो, बोलो अभी चले जाए, अभी हल्ला ना करिए। एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। वैष्णव में प्रीति नहीं, और बोलते हैं हम भगवान के बड़े भक्त हैं, फर्स्ट क्लास मिथ्यावादी, प्रथम श्रेणी के मिथ्यावादी, मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े हो, चाहे कितने भी वो उच्च कुल के हो, या कहीं कितने भी सिद्ध हो, भजन सिद्ध हो, अगर वैष्णव मात्र तिलक धारी तिलक कंठी माला देखते ही उनका हृदय गदगद हो जाएगा। ओ हो, देखो हमारे ठाकुर जी के निजी जान, आ ठाकुर जी के प्रिय जान आया है हमारे द्वार पर, हाय हाय मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ, क्या खिलाऊं, कहाँ रखूँ। ये नहीं कि ये भजन करते हैं कि नहीं, ये कौन कुलोद्भव ये भी नहीं देखते हैं, ये कौन कुल में जन्म लिया है कुल भी नहीं देखते हैं। वैष्णव का कुल क्या है, भगवत भक्त ही उनका एकमात्र परिचय है। जब तक कुल मर्यादा कुल पूज्य है, तो भगवान में क्या उनके आदर बुद्धि है, भगवान के पास तो सभी समान, समान सर्वभूतेषु नामे दृश्योऽस्ति न प्रिय, जे भजन्ति त्वमंग, ये कोई भी हो, जे भजन्ति त्वमंग भक्ता मैते तेषु चाप्यहम, वो मुझ में है मैं भी उसमें हूं। अगर मान लो कोई वैष्णव आया हमारे द्वार पर, तिलक कंठी माला धारी है, हमारे भीतर आदर बुद्धि नहीं है, तो तुम ये निश्चित समझ लेना, तुम भी भगवान को प्रेम नहीं कर पाया, भगवान भी तुमसे उतना प्रीति नहीं करते। ये सत्य है, मानो या मत मानो, ये तुम्हारा मामला, भगवान भी तुमसे उतना प्रीति नहीं करते हैं। वैष्णव में प्रीति ये लक्षण है, गुरु में प्रीति जितना भक्ति का चिन्ह हुआ। फिर गुरु में श्रद्धा नहीं, और भगवान में भजन करके बहुत प्रेम हो रहा है, और वो भी फर्स्ट क्लास, वो भी एक बड़ा मिथ्यावादी मिथ्याचारी है, ऐसा होता नहीं है। गुरु में जितना भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान में उतना ही तुम्हारा रति होती जाएगी, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होगा। गुरु में श्रद्धा हटती जाएगी, भगवान में भी तुम्हारा प्रीति हटती जाएगी, कोई कारण वश से, अपराध आदि कारण हो, संसारी भोग वृत्ति के कारण हो, विषय वस्तु में आसक्ति के कारण हो, जागतिक पदार्थ में आसक्ति के कारण हो, मान लो ये लक्षण है, तत्सहित ऐसा ही वैष्णव दर्शन मात्र से ही उल्लास आनंद में भर जाएगा हृदय, क्या करूं, क्या खिलाऊं, कहाँ रखूं, ये उत्तर उत्तर बढ़ता जाएगा। जितना तुम्हारा भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा, उत्तर उत्तर उतना ही तुम्हारा स्वाभाविक, ये नहीं दिखावा, नहीं दिखा रहे हैं, हाँ तिलक कंठ माला है भाई, वैष्णव को आदर करना चाहिए, मन तो है नहीं, चले जाए तो अच्छा है, फिर भी एक दिखावा, आइए आइए बैठिए, मन तो कह रहा है चले जाए तो अच्छा है, बहुत समय हो गया बैठा है, होता है ना, तो ऐसा होता है, ये नहीं जोर करके तो प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो एक स्वाभाविक अंतकरण वृत्ति, जोर करके कभी प्रेम होता है वो स्वाभाविक, भगवान में प्रेम होगा, होता जाएगा स्वाभाविक, वैष्णव में गुरु में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये लक्षण है। ये लक्षण के द्वारा तुम जानोगे तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हो या नहीं। उत्तर तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जितना भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना ही गुरु में तीव्र श्रद्धा और वैष्णव में प्रीति, ये बढ़ता है, निर्विशेष, ये विशेषता नहीं, जे ये उच्च कुलोद्भव ये नीच कुलोद्भव, कुल तो देखते ही नहीं, वह तो कुल तो एक लौकिक है, शरीर धर्मी पदार्थ है, वो तो शरीर धर्मी है, आत्मधर्मी तो आत्मा तो सब में एक ही है, एक ही भगवान अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी,
सभी एक ही तत्व है, एक ही सत्ता है, वो तो देखेंगे सिर्फ ये भगवान के भक्त है बस। सभी एक हृदय में एक उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति एक आदर बुद्धि, एक व्याकुलता, एक निर्मलता, एक निर्मल भावना, उनके प्रति एक आदर बुद्धि स्वाभाविक होती जाएगी। और गुरु में ऐसे ही श्रद्धा, ये लक्षण के द्वारा आप तुम अपने आप को परीक्षा करना, सब हर एक भगवान में तुम्हारा कितने प्रीति बढ़ रही है या नहीं, हमारा बात तुम मानो से मत मानो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात एकदम सत्य है। ये लक्षण के द्वारा तुम जान जाओगे हम भगवान में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अश्रुकंप पुलक, वस्तु में प्रीति नहीं, गुरु में श्रद्धा नहीं। दंडवत। आज की कथा हमारे प्रसंग है गदाधर गोस्वामी के, उनके आज अभिव्यक्ति थी ना, महाप्रभु के परम पार्षद संक्षेप में कहते हैं, उनके जीवन चरित्र संबंध में हमारा उतना जानकारी है नहीं, कहते हैं बंगाल में जन्म लिए हैं और महाप्रभु के समसामयिक 1408 साल में जन्म लिए हैं, लेकर के नवद्वीप में रहे महाप्रभु के, जब आविर्भाव समय में आए हैं महाप्रभु, उसके बाद नवद्वीप में आए और नवद्वीप में महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके महाप्रभु के एकदम प्रिय पार्षद बन गए। आप महाप्रभु तो दीक्षा देते नहीं हैं, तो बहुत आग्रह किए तुम हमको, समसम उम्र के हैं ना, बहुत अंतरंग प्रेम है, और यह है राधा शक्ति स्वरूपिणी, ये गदाधर पंडित राधा की शक्ति लेके आई है, तो ऐसे ही भाव है महाप्रभु के प्रति, ऐसे ही भाव है उनके अंतर जगत के जो भाव है वो ऐसे ही हैं, राधा भाव से भावित चित्त वृत्ति, ऐसे ही व्यवहार वार्ताव करते थे महाप्रभु के साथ, साथ प्रेममय वार्ताव। महाप्रभु दीक्षा नहीं देंगे, महाप्रभु किसी को दीक्षा नहीं दिए हैं, भगवान जब आते हैं धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, उनके एक विशेष लक्षण है वो किसी को दीक्षा नहीं देते, ये एक लक्षण है, दीक्षा नहीं देते, किसी को शिष्य नहीं, हाँ कृपा शक्ति संचार करके उसका तो परम कल्याण कर देती हैं। महाप्रभु दीक्षा का क्या आवश्यकता है, महाप्रभु जब झारखंड जंगल में, जब महाप्रभु वृंदावन रास्ते में चलते चलते कितना पशु पक्षी को प्रेम प्रदान किए हैं, कितना नीच जाति को प्रेम प्रदान किए हैं, दृष्टि मात्र से उनकी नजर पड़ते ही प्रेम में पुलकित अंग हो करके अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण आदि अष्ट भाव में भावित तो हो करके कृष्ण नाम से मतवारा हो करके घूमते थे, क्या जरूरत है दीक्षा का। लेकिन ना एक ऐसे हमारे विधान है, शास्त्रीय मर्यादा है, ऋषि मर्यादा है, ऋषि परंपरा है, दीक्षा लेना जरूरी है, ये हमारे सनातन धर्म के विशेष ऐसे है ऋषि परंपरा, तो बिगर दीक्षा में पहुंच नहीं सकते हैं, बिगर दीक्षा से, बिगर दीक्षा के ऐसा तो कोई शास्त्र में तो कहा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी भगवान की ऐसे कृपा हो जाए तो अलग बात है, भगवान किसी का कृपा करके या पूर्व जन्म के संस्कार वश किसी को कृपा कर दिए, वो तो भगवान की तो निजी इच्छा है, वहाँ तो हमारा प्रवेश है नहीं, लेकिन शास्त्र ऐसे कहते हैं गुरु कृपा बिना वहाँ पहुँचना, गुरु बिना भव सिंधु तरह ना कोई, चाहे ब्रह्मा शंकर समो ना हो, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। तो इधर एक जन कहे हैं जो देखो यहाँ एक बड़े वैष्णव आ रहे हैं बांग्लादेश से, उस समय बांग्लादेश था, उसमें भारत अखंड भारत था, पाकिस्तान वहाँ उस समय हुआ नहीं, अखंड भारत भूमि बांग्लादेश में रहते थे,
पुंडरीक विद्यानिधि नाम के बड़े एक महान महाप्रभु के ही पार्षद लेकिन आए हैं, महाप्रभु का नाम श्रवण करके नवद्वीप में आए हैं। तो एक जन कहे हैं चलो पुंडरीक विद्यानिधि नाम से एक महत पुरुष आए हैं हमारे नवद्वीप में, उनके प्रेम चेष्टा उनकी प्रेम क्रिया ये साधारण मनुष्य में देखने में आता नहीं है, बहुत ही अलौकिक, तुम यहाँ गुरुकरण कर लो। तो गदाधर गोस्वामी सोचे अच्छा हुआ बढ़िया हुआ, देखे तो सही कैसे वो प्रेमी पुरुष है, देखेंगे उनको ले गए हैं। कौन ले गया था? मुकुंद ली हाँ मुकुंद नाम के महाप्रभु के पार्षद वो ले गए थे उनको। चल तो तखत के ऊपर बैठी है पुंडरीक विद्यानिधि, राजकीय चेहरा सब रेशमी अच्छा अच्छा राजकीय पोशाक पहने हुए हैं, हाथ में हीरों की अंगूठी है, गले में सोने का हार है, हैं और जो पान खा रहे हैं और ऐसे मखमल के बड़े सुंदर चादर, बहुत कीमती चादर में बैठे हैं जैसे राजा महाराजा बैठे हैं। चांदी की पिगदानी, जहाँ पान खा करके जो थूकते हैं उसके पिगदानी कहते हैं ना, वो रखे हैं। दो जन नौकर चावर वजन कर रहे हैं राजा महाराजा फेल, और विषय वार्ता कर रहे हैं वहाँ ऐसा, वहाँ के ऐसा पैसा बाकी रह गया वहाँ के, तो इतना रुपया उसको तो अभी तक मिला नहीं, ऐसा ऐसा विषय वार्ता कर रहे हैं। तो मुकुंद ले गए हैं और गदाधर तो गए हैं सुन करके, जो ऐसे प्रेमी भक्त जो कि उनकी प्रेम चेष्टा अलौकिक प्रेम चेष्टा जो लौकिक जगत में देखने में आता नहीं है, ऐसे अद्भुत अप्राकृत प्रेम चेष्टा जो मनुष्य शरीर में देखना ही मुश्किल है, ऐसे भक्त के पास हम तुमको ले जा रहे हैं गदाधर, चलो हमारे साथ आए हैं नवद्वीप में बड़ी कृपा करके, तुम्हारी अति सौभाग्य है ऐसे महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त करने का, अगर तुम्हारी श्रद्धा हो रुचि हो तुम वहां से गुरुकरण तुम कर लेना। और भीतर जा करके ये दृश्य देख करके श्रद्धा जितना भी थी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अरे ये कहाँ ले आया, बड़े भक्त समझे हैं कहता अलौकिक प्रेम चेष्टा ऐसे ऐसे सुन, यहाँ देखते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा फेल, बड़े बड़े राजा महाराजा फेल, तो श्रद्धा हट गया। अब सोच रहे भाई यहाँ से खिचक जाए जल्दी करके, मुकुंद को ऐसा कर मैंने हो गया चलो पीछे से मुकुंद के पीछे ठड़े हैं, ऐसा कर मैंने हो गया अब चलो, हो गया बहुत समय हो गया, मन नहीं लग रहा, मैंने श्रद्धा हट गया, श्रद्धा हटने से वहां तो अच्छा लगेगा ही नहीं, श्रद्धा बढ़ने से वहां और समय बैठने की इच्छा होती है, ये मनोविज्ञान है। जहाँ तुम्हारी श्रद्धा अधिक होगी, अगर तुम्हारे सत्संग में श्रद्धा है तो तुम अधिक समय बैठोगे, अगर मान लो तुम चले जा रहे हो यहाँ से तो क्या उसका माने क्या है, माने तुम्हारा कथा में तुम्हारी रुचि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये लक्षण है मनोविज्ञान है तुम्हारा, हमारे मान लो यहाँ सत्संग हो रहा तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो ऑटोमेटिकली तुम कोई बहाना लेकर के पानी पी है, ऐसा ही मन हट गया। तो मुकुंद समझ गए हैं जो ये महत्पुरुष के क्रिया मुद्रा ये समझ नहीं पाए। तो महाप्रभु ने भगवत श्रीमद् भागवत के एक श्लोक उच्चारण किए जो जैसे वो श्लोक है, हमारे श्लोक को हमारे याद नहीं है, जो जो कालकूट विष दे करके गुरु नानक कृष्ण को मारने के लिए गई और उसको कृष्ण इतने परम दयालु, देखो उनको मातृगति प्रदान किए हैं, ऐसे कृष्ण के शरण बिना मैं कहाँ जाऊं, ऐसे श्लोक का तात्पर्य ऐसा है। कालकुटुम इसका बस उच्चारण करती इतना सुंदर सुललित छंद से, इतना सुंदर भाव से वो वर्णन किए हैं, सुनते ही बस तो बस रुक गया, कपना शुरू हो गया, अंग प्रत्यंग कपना शुरू हो गया। हा कृष्ण अरे अष्ट सात्विक विकार, लात मार के कहां कपड़ा लगता, कहां
कपड़ा लगता कमीज उमीज फार फूल के इतना सत्तिक विकार कहा पिगदानी लात मार के उड़ा दिया ऊपर से नीचे गिर गया। गिर करके हारे हा कृष्ण कहाँ प्राणनाथ प्राण कृष्ण तुम कहाँ हो हम जैसे पापी को तुम कब उद्धार करोगे हा कृष्ण आप रुकता ही नहीं। ये प्रेमचंद देख करके गदाधर तो घबरा गया अरे भाई हमने किसको विषयी समझा अरे ऐसे प्रेम चेष्टा तो मन में सोच लिया हमने बहुत भारी अपराध कर लिया। महत को हमने अपनी विचारधारा से विचार करके उनको अति साधारण समझ लिया लेकिन ये महत के क्रिया मुद्रा विद्वान भी समझ नहीं पाते हैं मुश्किल है। इसीलिए कभी कोई साधु संतों को देख करके उसका विचार नहीं करना चाहिए जो वो ऐसा है ये ऐसा है। हम लोग क्या करते हैं पहले तो देख करके ही एक आइडिया कर लेते हैं ये तो ऐसे ही आया है ऐसे आया है ऐसे ऐसा नहीं बोलते महोतेर क्रिया मुद्रा विज्ञा बुझाए। आप गदाधर पंडित तो परम भगवत है महाप्रभु के पार्षद है एकदम घबरा गए जो हमने तो बहुत अपराध किया हमने तो एक मौत को लंघन किया हमने तो एक मौत को समझ नहीं पाए हम तो अपने विचार बुद्धि के द्वारा उनको विचार करके अपना जैसे ही उनको समझ लिया अपने विचारधारा के ऊपर उनको हमने माप लिया ये तो मौत अपराध हो गया। मन ही मन में भी अश्रद्धा करने से वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध छह प्रकार है हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनविनंदति क्रुद्धति जाति नरसंग दर्शने पतनानी सर छह प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंती प्रहार करने से निंदंती निंदा करने से वैदेष्टि मन ही मन में हीन भावना रखना देश अच्छा नहीं बहुत हीन भावना रखना ये अपराध है ये भी एक अपराध ये है मन ही मन में अश्रद्धा साधारण ढोंगी है ये ऐसा कपड़ा पहना हुआ है ये तो ऐसा ही है हीन भावना आ गया ना तो ये भी वैष्णव अपराध का कारण बनता है। वैष्णव अनुमिनंदति वैष्णव को आदर अभ्यर्थन ना करना तिलक कंठी धारण मात्र ही कोई आया है द्वार पर तो वो भगवान का जन तुम समझ लेना तुम्हारे पास विचार आ सकता है लेकिन भगवान के पास विचार नहीं भगवान के पास कोई विचार नहीं भगवान देखते हैं हमारे भक्त क्रोध प्रकाश करने से वैष्णव के ऊपर क्रोध प्रकाश करने से उसका 12 साल का भजन तत्क्षण नष्ट हो जाता है। 12 बरस तुमने भजन किया ना तुमने एकदम गर्जना करके उठा है तुम कम देख लेंगे तुम कम खा जाएंगे ऐसा एकदम ऐसे सिर्फ गर्जना किया क्रुद्ध थे 12 साल का भजन तत्क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसा 2-4 फटकार देने से तो सारा जीवन का भजन समाप्त हो एक फटकार से 12 साल का भजन नष्ट हो तो 4 फटकार में 4 और 48 साल का भजन नष्ट हो तो बाकी रह क्या 5-7-10 ऐसे दे दिया तो पूरा पूरा जन्म का जो सुकृति है उस वो भी खींच के ले जाएंगे हम लोग तो इस विषय कोई ध्यान ही नहीं देते इसको साधारणीकरण कर लेते हैं अरे वो क्या भजन करती हैं उसको उसके पास हमारा कोई अपराध होता ही नहीं। ऐसा एक जन कहा था अरे इसका जैसे वैष्णव के पास हमारा अपराध होता ही नहीं हमने देखा है बिल्कुल संसार चला गया अल्प दिन में
से सहज नहीं, हजम करना, बोलना करना सहज है, हजम करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधक भी वहाँ समझ भी नहीं पाएगा जी किस कारण से हमारा ये पाम फिसल गया। विषय वासना घेर लेगा अंतकरण को, भोग वासना आ जाएगा, मान प्रतिष्ठा में हृदय भर जाएगा, उस प्रतिष्ठा बुद्धि आकर उसको घेर लेगा, भजन जीवन से हट जाएगा। ये सब बहुत सारे कारण बन जाता है, इसीलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। कौंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती, वैष्णव को अभिनंदन आदर बुद्धि ना से ना करना, उससे आदर सत्कार ना करना उनको। जाति नो हर्षं दर्शने, दर्शन मात्र से उल्लास, ओहो हमारे द्वार पर आज वैष्णव आ गए हैं, देखो हमारे कितना सौभाग्य है, ये हर्ष प्रकाश करना पड़ेगा। खैर ये गौण अपराध, ये गौण लेकिन है अपराध होगा, हर्ष प्रकाश करना पड़ेगा। वो भजन नहीं करता है, वो भजन नंदी तब जाके उनका आदर करेंगे, ये तो भजन नहीं करता, उनका क्या है, चलो 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 निकलो भाई निकलो जल्दी निकलो, अब गेट बंद करेंगे। बाबा ऐसे समय कब आएगा जो अपना ही बुराई देखे, दूसरे का बुराई नजर ना आए? ये विचार करते करते हर समय अपना दोष, अपना दोषों का अनुसंधान करके उसको निकाल करके भगवत चरण में निवेदन करना चाहिए। हे प्रभु हमारे मन में ये दोष, ये हमारे गंदगी, हमारे मन के भीतर हमारी ये दूषित भावना, हमारे ये कलुषित अंतकरण वृत्ति, हे नाथ तुम हमको इस दुर्बुद्धि से मुक्त कर दो प्रभु, हम तुम्हारे शरणागत हैं। इस तरह से प्रार्थना करना, तत्सहित वैष्णव के पास जाकर के उनको आदर बुद्धि से, उनको आदर अभ्यर्थना करना, उनके चरण रस लेना, ऐसे नहीं चरण छूना है, जहाँ से चले जाए वहाँ से चरण रस लेके अपने अंग में लिपन करना है, वैष्णव को दंडवत प्रणाम आदि आदर बुद्धि के साथ उनको सान्निध्य प्राप्त करने का चेष्टा है। होता नहीं बाबा उसी समय, कोशिश करना पड़ेगा, होता नहीं, हो गया तो हो गया, इतना साहस तो नहीं है, एकदम सरल हो जाएगा सब। तो गदाधर पंडित तो बुद्धिमान है, विचक्षण है, उनके मन में जब ये धिक्कार आ गया जो भाई हमने बहुत गलती किया है तो क्या करें, इसका शास्ति क्या है, क्या साजा, हमको साजा मिलना चाहिए, हमने हीन भावना कर लिया, ऐसे वैष्णव हमने जीवन में देखा नहीं, ना इनसे हम दीक्षा ग्रहण करेंगे, हम दीक्षा ग्रहण करने से फिर शिष्य मान करके हमको क्षमा कर देंगे हमारा अपराध, हम शिष्य बन जाएंगे, शिष्य बनने से फिर जा करके हमारे अपराध का गुरु क्षमा कर देंगे, हम तो दीक्षा लिए नहीं है, हम इनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। फिर मुकुंद के पास जाके कहते हैं, उनसे निवेदन करना, हम इनके शिष्य बनना चाहते हैं, हम इनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो मुकुंद जाके उनसे निवेदन किए हैं पुंडरीक विद्यानिधि से, जे ऐसे ये हमारे परम साथी हैं, महाप्रभु के साथी हैं, ये आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। बड़े आनंद के साथ, ओहो हो हमारे तो सौभाग्य, ऐसे अगर कोई शिष्य मिल जाए तो ये हम तो धन्य हो जाएंगे, जरूर जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर जाके उनके शिष्यत्व में वरण किए हैं वो पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि को कहते हैं ये वृषभानु बाबा के अवतार, वृषभानु बाबा के अवतार कहते हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित दीक्षा ग्रहण करके महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके फिर महाप्रभु के साथ नीलाचल गए। फिर हम लोग आगे चलेंगे, आज तो रात हो गया, कल चलेंगे।